सोसाइटी ने एक प्रेशर भी डाला कि या कहीं एक थॉट डालने की कोशिश की यू शुड हैव अ सन, यू हैव जस्ट डॉटर्स. इवन माय फैमिली हैड दैट इन माइंड दैट यू नो एक लड़का हो जाता तो अच्छा था करके. एंड आई वाज 41 व्हेन आई टुक एन एनडीए. वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल करंसी दैट टाइम बिकॉज एट दिस एज बोलते मैडम आपके पास तो इतने कुछ साल है नहीं अभी, जहाँ आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं जस्ट मूव अवे. नो आई डेंट वर्क फॉर सम टाइम बट देन लेटर अगेन यू नो आई दैट सेटअप वापस जो घाटकोपर में मेरा हुआ था. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शीरूज. एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू ऑल हैव शावर्ड अस विद ऑन आवर फर्स्ट एपिसोड. आई एम सो मोटिवेटेड एंड सो हैप्पी दैट ऑल वुमेन आर कमिंग टुगेदर एंड वी आर फॉर्मिंग अ ट्राइब ऑफ आवर ओन. कमिंग बैक टू द एपिसोड, today's episode is an inspiring story. That's the story of Julie Shah. और जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मैंने कहा wow, going back to the college at 41, becoming a teacher and adapting and learning at every age, that's Julie Shah. Julie ji, thank you so much for coming on our episode today and inspiring all of us. Thank you for calling me. Welcome. Yeah. So आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, right? Yes, at the age of around 21. Okay. But तब हमारी community में वो that was a normal age. Okay. 21, 22, the girls used to get married. हाँ. तो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई मेरी हो गई थी. I did my graduation, but result मेरा after I got engaged बाद में शादी के बाद मेरा result आया था. Okay. Yeah, and after that I was fortunate enough कि in-laws ने मुझे वापस मुझे जो ऐसे था कि और पढ़ना है, that was not the end. तो देन मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा शादी के बाद किया. एंड शादी के पहले भी मैं काम कर रही थी एक मर्चेंडाइज़र के वहाँ इन एन एक्सपोर्ट हाउस एज अ मर्चेंडाइज़र. और शादी के बाद अगेन आई कंटिन्यूड इन अ डिफरेंट प्लेस वेयर अगेन आई जॉइंड इन अ सैम्पलिंग डिपार्टमेंट इन एन एक्सपोर्ट हाउस. या तो फिर कितने टाइम बाद आपकी बेटियाँ हुई? आई थिंक आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज. नहीं, मुझे वो तो मेरे जहन में हमेशा पढ़ाई रहती है. मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी सोचा था. मतलब मैं आई विल यू टेल यू आई विल बी लाइक यू नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. आई फेल्ट लाइक डूइंग मैनी थिंग्स लेकिन मैंने फिर डिज़ाइनिंग का कोर्स करके फिर थोड़ा उधर काम किया. देन आई कंसीव्ड एंड देन फॉर्चुनेटली आई वॉज आई हैड ट्विंस. So then we were a bit like, तो तभी मुझे थोड़ा drop लेना पड़ा. Yeah, because there will be little bit some complications in the, yeah, फिर दोनों like I had to give them time. और 5 साल तो when you get twins you cannot expect any, you will do anything else. You have to look after them. Because when I was there in Ghatkopar, the principal of their school, they used to take my help. They wanted some volunteer parents. जब भी teachers नहीं होते थे तो I used to go and teach them. सो शी वॉज लाइक कि नहीं आप बनो टीचर, आप पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा बट आई वॉन्ट यू इन माई स्कूल एज अ टीचर. सो दैट टाइम आई डिडंट टेक अप दैट थिंग सीरियसली. फिर यहाँ आके फिर मैंने बोला आई नॉट ट्राई समथिंग एल्स. सो देन आई डिड माई डिग्री ऑफ डिग्री एट द एज ऑफ 41 वेन बाई या बी एड की या विच इज़ द नेसेसिटी टू बिकम अ टीचर. तब तक आपको मतलब जब आप पढ़ने जाते थे हाँ आउट ऑफ प्लेस या आपको लगता था आपने घर से ही किया कॉरेस्पॉन्डेंस में कि आप कॉलेज जाके पढ़ते थे? मुझे खुद को इतना नहीं हुआ लेकिन जब मैं एडमिशन लेने गई कॉलेज में तो जो वहाँ पे जो लोग थे वो लोगों को ऐसे लगा कि शायद मुझे खुद को अपना स्कूल खोलना है या मुझे प्रिंसिपल बनना है. बिकॉज एट दिस एज बोलते मैडम आपके पास तो इतने कुछ साल है नहीं अभी, आप पढ़ाई करोगे तो टीचर बनने के लिए. मैंने बोला नहीं मुझे करना है. एंड फिर फॉर्चुनेटली मेरे साथ ना और दो जन आए यही एज ग्रुप के. सो देन आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड वहाँ पर भी बैच अच्छा था. दे वर लाइक माई डॉटर्स टू बी वेरी फ्रेंक बिकॉज हार्डली 22 या बिकॉज ग्रेजुएट होकर तुरंत अगर बच्चे लेते हैं तो 22 में दे विल ज्वाइन. या एंड आई वॉज 41 व्हेन आई टुक एन एंड या आई वॉज 27 28 या ये
कुछ पेरेंटिंग में कोई फर्क महसूस किया आपने जब आप टीचर बने, आपने पढ़ाया, आपका होराइजन खुला, तो क्या आप जिस तरीके से पेरेंट करते थे अपने बच्चों को उसमें थोड़ा नजरिया बदला आपका? डिड यू फीलिंग समथिंग एंड यू चेंज्ड अबाउट इट? बिकॉज़ मैं जब आपकी कहानी सुन रही थी तो मुझे वो एक एंगल भी बताया गया था, वो ऐसे कि पेरेंटिंग का इन द सेंस कि देर अभी वहाँ एक मेरा ग्रुप बना फ्रेंड्स का जो वो क्वाइट यंगर देन मी, तो अभी घर में लाइक इवन माय डॉटर्स उन लोगों का वो टीनेज फेज था एंटर, सो नेचुरली वो डिफरेंसेस आएंगे, कम्युनिकेशन गैप होएगा थोड़ा, यू नो वी हैड आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एट दैट एज, बट देन आई यूज टू शेयर अ फ्यू थिंग्स विद माय फ्रेंड्स कि आज सम इंसिडेंट कि ये हुआ तो मेरी डॉटर ने ये रिप्लाई किया एंड आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस और यू नो दिस, सो देन दे यूज टू टेल मी कि अगर यू कुड यू वुड हैव टेकन इट इन सम अदर वे, अगर तुम ऐसे करती ना तो वो तुमको ये जवाब नहीं देती, यू हैव टू बी लेस स्ट्रिक्ट, यू हैव टू यू नो, थोड़ा उन लोग मेरे को गाइड करते थे एंड आई लिटरली यूज्ड इट इन माय लाइफ एंड देन हम वी वर बॉन्डिंग वेल बट माय बीएड हेल्प मी बॉन्डिंग मच मच बेटर। या चैलेंजेस क्या बोलेंगे आप इस जर्नी में कि आपको क्या चैलेंजेस फील हुए जो आपने ओवरकम किए? चैलेंजेस तो सी आई हैड माय सेट ऑफ स्ट्रगल्स, ऐसे नहीं बोलूंगी नहीं था, इट वाज नॉट एन इजी थिंग। या In front of us? Struggles like, you know, I told you ki because I had a setback in my business for some time, to thoda, and then twins hai, education, you know how expensive it is nowadays, and putting them in good schools, giving them good education, it, so I will say my husband was managing, it was not that, but still I felt, you know, if I could, yeah, and I had that capacity, so then I said I will do something else, let me take up. So then taking up B.Ed, so again, even my education, so that all he, मतलब वो किया मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट उसमें, क्योंकि B.Ed करने का भी लाइक यू हैड, सो अलॉन्ग विद द चिल्ड्रंस फीस दोनों, और दोनों ट्विंस है तो साथ में दोनों का खर्चा आता है, सो नॉट लाइक वन चाइल्ड आफ्टर अनदर, सो दैट वेंट ऑन टूगेदर, सो वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल करंट दैट टाइम, बट वी मैनेज समहाउ. So yeah, God has been kind. And कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं जानती हूँ आपकी कहानी तो मुझे पता है कि ये वाला सोसाइटी ने एक प्रेशर भी डाला कि या कहीं ये थॉट डालने की कोशिश की यू शुड हैव अ सन, यू हैव जस्ट डॉटर्स, व्हिच आई टोटली एम अगेंस्ट बिकॉज़ आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, आई हैव अ डॉटर मायसेल्फ, आई एक लड़का हो जाता तो अच्छा था करके, but it's okay, like we my husband was like we were very happy to get to be with two daughters. I think it's supportive partner ho aapki life mein, correct, aur wo understanding very much phir chahe society kuch bhi kare, you all can stand strong, yes, face that earlier but not much, like my husband was very very supportive about that. So today when you look back, you feel that turning point of life tha jab aapne I'm still ready to learn at any age. That is my passion. Learning should never stop. And every day you learn, actually. Ongoing process. That is what, these are my ideas. I know. No, your ideas are absolutely right. And I totally agree with you that there is no stage or age of learning. Yeah. Learning. Yes. The day you stop learning, your growth stops. Yes, correct. Keep I agree with that. Grow in life. Yeah, even if it is learning about how to live life. Correct. Even if it is about just knowing life skills, but you're learning and you're growing. Yeah. As a teacher, you feel so much for your children. Yes. I mean, I must say, meri beti bhi apne teachers se bahut pyar karti hai. Yeah, bahut. Bahut respect. Yes. Yeah. मतलब वो कितनी बार अपनी टीचर्स के लिए बोलती है I love them. They are so nice. Yeah. And उसकी एक टीचर है जो उन्हें कहती है कि स्कूल इज योर सेकंड होम एंड वी आर योर सेकंड मदर. Yes. So, definitely. That bond is so beautiful. Yeah. And अगर टीचर और स्टूडेंट का ये बॉन्ड हो तो जैसे माँ और बच्चा होता है बिल्कुल वैसा है. You don't need to be
very very noble profession, you can say. So that one piece of advice that you would want to give to our viewers, whatever you want to tell women out there, anything. Women out there, I would say never stop learning, first of all. There is no age for learning. Never be conscious. Okay, even today if you see, not only when I was studying, but even right now in my profession, I have all my colleagues are much, much younger than me. But you will be surprised the way they talk to me, like a friend. They never make me feel I'm that, there is this age gap. Yeah. So I would, I would tell everyone, this phase is very beautiful. It's nothing like, age is not a factor. Don't take it as, just move forward, fulfill your dreams to the fullest and live life. That's it. So beautiful. Yeah. Thank you for this inspiring story that you've shared with us. And I think isse mujhe ek khayal aaya hai ki hum chukte nahi hai ye kehne mein ki society aisi hai, society waisi hai, society judgmental hai. Lekin jab society achhi hai to hame use bhi acknowledge karna chahiye, appreciate karna chahiye. And I think it's so beautiful that she got that acceptance, love, and I would say all the kind of support from the society, like the way you perceive, people will perceive you. I believe that. Right. So jaise unke colleagues hain jo unse unhe bilkul bhi out of place feel nahi hone dete. I think it's beautiful. Aur jahan aapko lag raha hai comfortable nahi, just move away, no, it's okay. There are other places. Why invest your time there? Unnecessary. I feel we are society. Society begins from us, and if we all just take responsibility of our behavior, the society is going to be beautiful and positive and supporting and engaging for everybody. And that is all that we need. Yeah. So thank you so much for coming on our show. Thank you. And they say one can learn at any age, and Julie Shah's story is an example that one can not just learn but fulfill their dreams at any age, any stage, any time. A proud mother of two daughters, an advocate of equality between boys and girls, and now a brilliant teacher. What a brilliant story. Julie Shah fulfilled her dreams and also the dreams that she saw for her daughters. She rose against all odds, no matter what.